हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग श्रीवास्तव इंस्पिरेशन पीक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे हास्य कलाकार की जिन्हें आज के समय में एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर कोई जानता है, और वो हास्य कलाकार हैं सुनील ग्रोवर, जिन्हें हम सभी गुत्थी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इस महान कलाकार के संघर्ष से लेकर हास्य कलाकार बनने तक के सफर की हर एक जानकारियां आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। सुनील ग्रोवर का जन्म 3 अगस्त 1977 में हरियाणा के एक छोटे से गांव मंदी डबवाली के पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ, और उनके पिता का नाम मिस्टर जैन गुप्ता है। सुनील ने सिरसा के आर्य विद्या मंदिर से पढ़ाई की। उस वक्त सुनील बहुत चुलबुले और शरारती थे। उन्हें दूसरों की आवाज की नकल करना यानी मिमिक्री करना बहुत पसंद था, कभी अपने टीचर की तो कभी अपने परिवार वालों की। वो हमेशा मिमिक्री करने की कोशिश करते रहते थे। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, और वहीं उन्होंने एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। कई साल तक थिएटर में काम करने के बाद उन्होंने जाने माने कलाकार जसपाल भट्टी के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुनील को देखते ही सुनील को पहचान लिया था, और सुनील को एक टीवी शो फुल टेंशन के साथ लॉन्च कर दिया। अब इस समय पर आकर सुनील ने स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू कर दिया। शुरुआत में इनका परिवार ये नहीं समझ सका कि सुनील वाकई में कॉमेडी से पैसा कमा सकता है, पर जब सुनील को पहली पेमेंट मिली तो उनका परिवार भी उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगा। आपको बता दूं, ये पेमेंट उस टाइम सिर्फ 200 रुपए थी। इन सब के बाद उन्होंने काफ़ी समय तक स्ट्रगल किया, और फिर एक दिन उन्हें रेडियो मिर्ची के लिए एक आरजे का काम मिला। यहाँ वो हंसी के फुहारे के जरिए वे लोगों को हंसाते थे। ये शो सुनील के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, और इसके लिए सुनील को बेस्ट आरजे का अवार्ड भी मिला। इसके बाद फिल्मी चैनल का शो चला हीरो लल्लन बनने में काम किया, और इसके बाद भी सुनील ने कई शो में काम किया जिसमें इंडिया साइलेंट शो गुटुरगु भी शामिल था। इसके बाद उन्होंने एक इंडियन डिजाइनर लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद भी सुनील के कैरियर के लिए सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे ही सुनील ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में एंट्री ली तो फिर यूं समझ लीजिए सुनील एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडियन के तौर पर उठे, और उनका गुत्थी कैरेक्टर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। आपको बता दूं, सुनील कलर्स चैनल के एक एग्रीमेंट में लॉक थे, और जब उन्होंने चैनल को रिव्यू कर सैलरी बढ़ाने की मांग की तो उन्हें कलर्स चैनल से अलविदा कहना पड़ा, और इस समय पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की टीआरपीज भी कम होने लगी। सब लोग बस यही चाहते थे कि सुनील वापस गुत्थी बनकर आ जाए, और पब्लिक डिमांड और किस्मत उन्हें वापस ले आई। शो फिर से हिट होने लगा, और उसके बाद उनको बहुत से मूवी के ऑफर भी आए, और कई मूवीज में वो थे भी, जैसे कि गब्बर इज बैक, वैसाखी लिस्ट, कॉफी विद डी। सुनील की कॉमेडी की खास बात यह है कि वो किसी भी कैरेक्टर के रोल को निभाते नहीं बल्कि जीते थे, और इसीलिए वो बहुत अच्छे तरीके से रोल पूरा करते हैं, चाहे वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी का हो या फिर गुत्थी का हो। और इतने स्ट्रगल के बाद आज वो द कपिल शर्मा पर शोज के 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और उनके सक्सेस होने की वजह उनकी मेहनत है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।